नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आज इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज एक गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत आपके आवेदन शुरू हो गए हैं जो आपके 24 अगस्त तक चलेंगे। यहाँ पे प्रतिमा आपको 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, उसके अलावा भ्रमण के लिए 10,000 अलग से दिया जाएगा और 15,000 रुपये आपको टैबलेट लेने के लिए दिया जाएगा। टोटल यानी कि पहले महीने आपको लगभग 55,000 रुपये दिया जाएगा, जिसमें 15,000 का आप टैबलेट लेंगे, 10,000 रुपये आपको भ्रमण को हर महीने मिलेगा और 30,000 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि इस पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या पूरी प्रक्रिया और यहाँ पे क्या नोटिस क्या जारी हुआ है। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट अपने वीडियो पर लेके आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन 24 तक यानी कि 24 अगस्त तक भरे जाएंगे। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात किए जाएंगे शोधार्थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों, हम यहाँ पे पेपर की एक जो है न्यूज है इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम सीधा चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके मैं आपको सब कुछ डिटेल में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त से शुरू हो गए, जो आपकी 24 अगस्त तक चलेंगे। यहाँ पर 100 विकास खंडों के लिए जो है लड़के चयनित किए जाएंगे। 30,000 रुपये यहाँ पर मासिक वेतन दिया जाएगा। 10,000 रुपये अगर यहाँ पर बात करें तो भ्रमण के लिए, जो आप घूमेंगे तो उसका पूरा पेट्रोल वेट्रोल खर्चा दिया जाएगा। और टैबलेट के लिए यहाँ पे आपको 15,000 रुपये का दोस्तों अलग से दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, नियोजन विभाग के सचिव आलोक कुमार ने बताया कि युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन क्रियान्वयन अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का खास मौका देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि चयनित युवाओं को प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन करना होगा। यहाँ पर इस तरह से ये दोस्तों आपको मिलने वाला है। और मैं अभी आपको ले चलता हूँ यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। 30,000 रुपये यहाँ पर आपको महीना मानदेय होगा, 10,000 रुपये यहाँ पर अलग से, यानी कि टोटल आपको 40,000 रुपये महीना आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, क्या योग्यता है, फॉर्म कैसे क्या करना, जितना भी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके दिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप वीडियो पे दोस्तों बने रहें। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको लिखना cmfellowship.upsdc.gov.in, ये आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, इंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप इंटर पे क्लिक करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम इंटर कर चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सीधा सीधा CM फेलोशिप प्रोग्राम प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवं पात्रता की शर्तें। तो ये सब हमको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डेस्कटॉप साइट पर ओपन करेंगे। तो यहाँ तीन बिंदी पर क्लिक करेंगे, तीन बिंदी पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारी स्क्रीन है वो डेस्कटॉप साइट पर ओपन हो जाएगी। अभी क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब कुछ डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आयु वगैरह भी सब आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगी, पात्रता वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, सब कुछ स्क्रीन पर आपको मिल रहा किस तरह से क्या है। तो चलिए नीचे आएँगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और इस तरह से इसको ड्रैग करते रहेंगे जब तक कि पूरा ना क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना। चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप कैसे फॉर्म भरना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ नोटिफिकेशन, ताकि आपको पता चल जाए कि इस पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो हम हिंदी वाले पे हिंदी का देख सकते हैं, इंग्लिश वाले पे इंग्लिश का देख सकते हैं। तो हम हिंदी वाले पे क्लिक करके दिखाई दे रहे थे, हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करें, यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। और जैसे नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, मैं जो है यहाँ पर इसको पूरा डिटेल में आप देख लें, जान लें, उसके बाद आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के दिशा निर्देश, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हम चलेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन की अनुसरण के कार्यों को सहभागिता से जो है विशिष्ट अवसर प्रदान किया जा रहा, ताकि वहाँ पर जो उनके कार्य हैं उनको सही ढंग से किया जा सके। यहाँ पर देखिए, आपका जो फेलोशिप का मौका मिलेगा शोधार्थियों को, ग्रामीण, ठीक है, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं
वन, पर्यावरण, जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं कौशल विकास, ऊर्जा एवं नवीनीकरण, ठीक है। यहाँ पे पर्यटन एवं संस्कृत, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, आईटीएस, जैव प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस, बैंकिंग, वित्त एवं कर, लोक नीति एवं गवर्नेंस, यहाँ पे फेलोशिप करने का इन इन क्षेत्रों पर दोस्तों आपको मिलने वाला है। पात्रता की बात करें तो देखिए, आपको आपका जो आपका ग्रेजुएशन वो 60% के साथ आपका होना चाहिए कम से कम। देवनागरी हिंदी और इंग्लिश में आपको जो है पढ़ने लिखने का ज्ञान आपको हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे कार्य अनुभव है तो देखिए, कार्य अनुभव के लिए इन्हें बोलता है कि आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव, फेलोशिप से संबंधित विषयगत क्षेत्र, विषयक लेख, प्रकाशन, नीति पत्रों, शोध पत्रों, मूल्यांकन व परियोजना योजनाओं के अनुसरण आदि से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव तो उत कार्य करने का साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना होगा। यानी कि अगर आप कहीं पे भी कार्य किए हैं तो उसका आपको साक्ष्य यहाँ पे दोस्तों देना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए, आवेदक के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल का जो है अनुप्रयोग पर काम करने की क्षमता, माने कि यार कंप्यूटर वम्प्यूटर आपको चलाने का ज्ञान होना चाहिए। संचार कौशल, जैसे आपका नेटवर्किंग है, नेट वर्क चलाना है, आपका सर्फिंग, जितने भी चाहिए आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड जैसे कुछ काम हो गया है ना, डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग, ये सारे कार्य आपको जो है आना चाहिए। डेटा एनालिसिस में अनुभवी अभ्यर्थियों को वरीयता यहाँ पे दोस्तों दी जाएगी। अभ्यर्थियों को फील्ड वर्क में कार्य करने का इच्छुक होना अनिवार्य है। यहाँ पे ये दोस्तों फील्ड वर्क का कार्य है तो इस पर आपको ये करना अनिवार्य होगा। एज की बात करें तो अधिकतम 40 वर्ष वाले और मिनिमम यहाँ पे 18 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे चलते जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो साइट पे आके या अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सीधा बात करेंगे यहाँ पारिश्रामिक आपको कितना मिलने वाला, तो नीचे आते हैं सीधा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपया प्रतिमाह यहाँ पे दिया जाएगा। शोधार्थियों को पारिश्रमिक के अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण के लिए 10,000 प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। साथ ही विभागीय योजनाओं कार्यों का अनुसरण एवं मूल्यांकन करने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट क्रय करने के लिए 15,000 रुपये एकमुश्त उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा। चयनित शोधार्थियों को विकास खंड में ही यथासंभव आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि आपको आवासीय सुविधा भी उसी विकास खंड में आपको उपलब्ध कराई जाएगी, आपको वहीं रहना है, ठीक है। अवकाश का देखिए, यहाँ इन्होंने बताया है कि आनुपातिक आधार पर एक वर्ष में 12 दिनों के लिए यहाँ पे अवकाश की अनुमति है, ठीक है। एक वर्ष में आपको 12 दिन के लिए अवकाश मिल सकता है। चयन की प्रक्रिया, आवेदन पत्रों का परीक्षण, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चयन किस तरह होगा। शोधार्थियों के चयन हेतु नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन के पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यानी कि 500 शब्दों का आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उद्देश्य का विवरण, क्या किस लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या शोध करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारी विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नानुसार परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में देखिए यहाँ पे क्या है, परीक्षण अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षा उपरांत हटा दिया जाएगा, ठीक है। जो खराब होंगे उनको पहले हटा दिया जाएगा। डुप्लीकेसी, एक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एक नाम से केवल एक आवेदन स्वीकार होगा। अभ्यर्थी की पात्रता, केवल स्नातक न्यूनतम 60% अंकों के साथ, ठीक है, अथवा स्नातकोत्तर या पीएचडी पूर्ण अथवा थीसिस प्रस्तुत छात्र भी पात्र होंगे। अगर ये किए हैं तब भी यहाँ पे आप जो है पात्र हैं दोस्तों, ठीक है। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन तब भी आप पात्र हैं। आयु हमने बता दी है 40 वर्ष। आवेदक जिनके द्वारा 500 शब्दों के उद्देश्य का विवरण अपलोड नहीं किया जाए उनका आवेदन निरस्त किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जो भी भरने वाले दोस्त हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे देखिए, आवेदन पत्रों का जो मूल्यांकन है वो कर लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग 50 अंक, यहाँ पे देखिए कुछ आपसे जो है कुछ रिलेटेड आपका शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानक के अनुसार आवेदकों की ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग की जाएगी। स्कोरिंग का मानक ये है, तो आपका देखिए स्नातक का आपको 15 नंबर, अगर आपने पीजी करा है तो 20 नंबर, और पीएचडी करा तो यहाँ पे आपको 25 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं अन्य विधिक मानदंड में, यहाँ पे देखिए प्रतिष्ठित संस्थान से कोई डिग्री 3 नंबर, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो 3 नंबर, और यहाँ पे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मंच द्वारा प्रदत्त पुरस्कार तो 3 नंबर, संगठनों के शोध स्वयंसेवा तो 3 नंबर, और कोई अन्य विशिष्ट उपलब्धि तो 3 नंबर, तो यहाँ से ये आपको मिलने वाला है। उसके बाद है आपका प्रासंगिक कार्य अनुभव, यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कार्य अनुभव है 6 माह से 2 वर्ष के लिए तो 5 नंबर,
दो वर्ष से अधिक है आपका, तो यहाँ पे 10 नंबर। तो इस तरह से ये आपको टोटल 50 नंबर का है दोस्तों। तो इस पर आपका जो है सिलेक्शन, जिसने ज़्यादा आपका जैसे कार्य अनुभव, पीएचडी है, स्नातक, परा स्नातक है, तो उससे सिलेक्शन का चांस बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग आप अप्लाई करें, व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि 25 नंबर का यहाँ पे आपका जो है साक्षात्कार लिया जाएगा। आगे बात करें कुल अंकों के योग के आधार पर आरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए शीर्ष के 100 अभ्यर्थियों को चयन के नियम शर्तों के अधीन चयन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 100 लड़कों को दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम, फेलोशिप कार्यक्रम के अंदर चयनित अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कराया जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षण के प्रथम सामान सप्ताह में सामान्य परिचय कराया जाएगा एवं 2-3 सप्ताह में कार्यक्रम विषय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकेडमी उपमा लखनऊ द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण में IIT एवं IIM जैसी विशिष्ट संस्थाओं के विशेषज्ञों का व्याख्यान भी आयोजित कराया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो प्रशिक्षण भी दोस्तों कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको फील्ड में भेजा जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। और यहाँ पे देखिए किस किस जगह है, तो 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में 34 जनपदों की सूची है। कहाँ से आपको कितना है, जैसे देखिए अंबेडकर नगर में आपका बीटी, भियाँ, टांडा, ठीक है, ये इस तरह से है। तो यहाँ पे आप अपना जो है देख सकते हैं, जिस पे जिले बांदा के लिए यहाँ पे देखिए बांदा के लिए भी है, ठीक है, बबेरू, बिसंडा है, कमासिन है, ठीक है, और महोबा के लिए कबरई है। तो इस तरह से आप देख लेंगे जिस भी ज़िले के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें पहले देख सकते हैं कि आपके ज़िले का नाम है कि नहीं, जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए कौशाम्बी हो गया आपका, ठीक है, मंझनपुर, और यहाँ पे प्रयागराज में बहारिया, कोराव, मांडा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख लीजिए, जो जो भी भाई बहन दोस्त जहाँ से इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं आप आराम से दोस्तों डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है 100 जगह टोटल यहाँ पे आपकी नियुक्ति होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।